बिना अंडे और कंडेंस मिल्क के घर के बिल्कुल बेसिक सामान से बनने वाला ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी मैंगो केक बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही मज़ेदार। इस बार आप इसको आम के सीजन में ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आई एम श्योर ये आपको भी बहुत बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। मैंगो केक बनाने के लिए हम सबसे पहले केक टिन लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। तो आप तेल या मेल्टेड बटर कुछ भी डाल सकते हैं और हम इसको एक ब्रश लेकर उससे बहुत अच्छे से तेल को फैला देंगे। तो ध्यान रखिएगा सारी जो सर्फेसेस हैं उस पर अच्छे से तेल लग जाना चाहिए, नहीं तो जो केक है बनने के बाद चिपक जाएगा और बाहर नहीं आएगा। तो आज मैं यहाँ पर 8 इंच का जो है बेकिंग पैन यूज़ कर रही हूँ। इसमें एक केक अच्छे से फूल के बन जाता है और ये एल्युमिनियम का पैन है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्टील का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने तेल को बहुत अच्छे से फैला दिया है और अब मैं इसमें एक बटर पेपर रख रही हूँ और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच सूखा मैदा छिड़कें और उसको अच्छे से पूरे केक टिन पर फैला लें तो भी केक बिल्कुल नहीं चिपकता है और बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। तो ये देखें हमारा केक टिन बिल्कुल तैयार है, हम इसको साइड में रख लेंगे और आइए अब हम सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/8 टीस्पून नमक, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 स्पून या फिर आप समझ लें 1.5 स्पून बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इनको बहुत अच्छे से छान लेंगे जिससे कि जो सारी चीज़ें हैं वो आपस में मिल जाएं और जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से एक सार बने। तो ये देखिए तैयार है, हम इसको अलग रख लेंगे। और अब यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप कटा हुआ आम और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 कप से थोड़ा सा कम शक्कर। तो शक्कर की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके आम जो है वो कितने स्वीट हैं। कई बार आम जो है खट्टे होते हैं तो शक्कर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और अगर आम थोड़ा ज़्यादा मीठा है तो शक्कर का इस्तेमाल कम करें। और अब हम इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है और इसकी एकदम प्यूरी तैयार है और हमें इसको जब तक पीसना है जब तक कि शक्कर इसमें अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप तेल। तो मैंने यहाँ पे आज सनफ्लावर ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अगर आप तेल डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिला के इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आपके पास मैंगो एसेंस है तो आप वनीला की जगह मैंगो एसेंस यूज़ करें, इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे मैदे का मिक्सचर। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ये देखिए इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाना है। ओवर मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए केक का बैटर जो है बिल्कुल तैयार है और आपको बिल्कुल बस धीमे हाथों से इसी तरह से इसको मिक्स करना है। और अब हम इसमें डाल देंगे आखिरी चीज़, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। तो ये वही वाइट विनेगर है जो कि हम चाउमीन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं और इसको भी बिल्कुल धीमे हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए केक का बैटर बिल्कुल तैयार है और अब मैंने इसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम एक स्पैचुला से इसको हल्का सा पहले एक सा कर लेंगे और इसको हम टैप करेंगे जिससे कि जो इसकी ऊपर की लेयर है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाए और जब केक बने तो वो एक सा बने, वो ऊपर नीचे ना हो और वो इस तरह से करने से वो ठीक से फूलेगा भी। तो आज मैं ये केक एक भगोने में बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये भगोने को 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे गर्म कर लिया था और अब हम ये केक इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है, आप प्लेट को उल्टा करके रख लें या इस तरह का स्टैंड रख लें और उसके ऊपर हम ये अपना केक टिन रख देंगे। इसको हम एक ढक्कन से कवर कर देंगे और इस ढक्कन को हम एक टॉवल से कवर कर देंगे जिससे कि इस ढक्कन की जो गर्माहट है वो बनी रहे और टेम्परेचर डिफरेंस ना हो ढक्कन और पैन के बीच में। और अब हम इस केक को मीडियम फ्लेम पे करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स तक केक को पकाएंगे। केक को पकते हुए करीब 35 मिनट्स हो चुके हैं, आइए इसको चेक करेंगे। तो ये जो ढक्कन भी होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो आप इसको कपड़े से ही उठाएं।
और अब हम इसमें एक टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे। तो आप ये देखें टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रहा है, इसका मतलब हमारा केक जो है बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम केक टिन को बाहर निकाल लेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आइए इसको डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखें आप, अगर आपका केक टिन अच्छे से ग्रीस होगा तो ये देखिए केक कितने आराम से बाहर आ जाता है। और अब हम ये बटर पेपर भी बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए कितने आराम से ये बाहर आ रहा है और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और जूसी लग रहा है देखने में। और मैं आपको इसको काट के भी दिखाती हूँ, लग रहा है ना कितना मज़ेदार, और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा कि कैसा बना। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।